सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस। सो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप अपना स्मार्टफोन से अपना थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैं एक एप्लीकेशन का नेम बताऊंगा जहां से आप अपना थंबनेल क्रिएट करके आप अपना यूट्यूब वीडियोस में अपलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का नाम है कैनवा। कैनवा आपको फोटो और वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड और iOS में देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे लोगो, रिज्यूम, इंस्टाग्राम पोस्टर। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप खुद से कैसे YouTube थंबनेल क्रिएट करके आप अपना YouTube वीडियो में अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है YouTube थंबनेल। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप इसको एडिट करके आप अपना वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद से कस्टम थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको ब्लैंक देखने को मिल जाएगा। ये आपका थंबनेल का बैकग्राउंड में जो कलर रखना चाहते हो रख सकते हैं। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक, ग्रे, वाइट, कुछ भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत कलर आपको देखने को मिल जाएगा। थंबनेल बनाने से पहले आपको बैकग्राउंड जो पिक आप रखना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। सिंपली आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एक वेबसाइट ओपन करना है जो कि नेम है रिमूवर BG। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि आप अपना बैकग्राउंड पिक रिमूव करना चाहते हैं, इसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको फिर से कैनवा एप्लीकेशन पे आ जाना है। इसके बाद राइट साइड नीचे आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जो बैकग्राउंड रिमूव किए हैं उसको अपलोड कर लेना है। अपलोड होने के बाद आपको बैकग्राउंड जो रिमूव किए हैं उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एडिटर पे आ चुका है। इसको आपको साइज एडजस्ट कर लेना है, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। बाद हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ आप सिंपली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत सारा टेक्स्ट बनाया हुआ है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एडिट करके लिख सकते हैं। जो टेक्स्ट आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करना है, आपको एडिटर पे आ जाएगा, उस पर एडिट करके आप लिख सकते हैं, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आप कोई भी एलिमेंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, एलिमेंट्स में जाना है, आप सर्च करके लगा सकते हैं, कुछ आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए मैं YouTube सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं YouTube का बहुत सारा लोगो आ चुका है। इसको यूज़ करके आप लगा सकते हैं। यूज़ करने के लिए सिंपली आपको एक क्लिक करना है, आपको एडिटर पर पहुँच जाएगा। चलिए मैं एक यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद अगर आप थंबनेल में इमेज लगाना चाहते हैं सिंपली आपको प्लस पे जाना है। उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। मैं कुछ अपलोडेड पिक है जो कि मैं इसके यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली इसे यूज़ करने के लिए आपको एक क्लिक करना है। आप देख सकते हैं पिक कहाँ इम्पोर्ट हो चुका है, कुछ ऐसे आपको एडिट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं कुछ मैं ऐसे इमेज को सेट किया हूँ जो कि थंबनेल और ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद और ज़्यादा एट्रैक्टिव हम लोग करते हैं, इसको सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद एलिमेंट्स में क्लिक करना है। इसके बाद आपको लाइन सर्च करना है। आप देख सकते हैं हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं पूरा थंबनेल बन चुका है। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं सिंपली आपको एक टच करना है बैकग्राउंड पे। आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आ चुका है जो कि मैं चेंज कर चुका हूँ। पहले ब्लैक था, अब स्काई कलर कर चुका हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिंपली आपको स्काई कलर पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारा कलर का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं जो कलर अच्छा लगे इसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने थंबनेल पे। इसके बाद आप अपना थंबनेल डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। राइट साइड आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ क्लिक करना है, फिर सेव एस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड और ड्रॉप करना है। इसके बाद आपका थंबनेल डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।